ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब बारी है येलो फंगस की। जी हाँ गाइस, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस ने तो अपना कहर मचा कर रखा ही हुआ था कोरोना के साथ साथ, पर अब आ गया है येलो फंगस। ये कहर बढ़ता ही जा रहा है। जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस था वो येलो फंगस से काफ़ी अलग है, क्योंकि ब्लैक और वाइट फंगस हमारी नाक और मुंह से आगे फैलता है हमारी बॉडी में, पर जो येलो फंगस है वो हमारी बॉडी में इंटरनली डेवलप होता है। ये इन तीनों में फ़र्क है, और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक येलो फंगस को समझा जा रहा है। गाज़ियाबाद में इसका फर्स्ट केस आ चुका है। एक हफ्ते पहले पूरे इंडिया में एक ही केस इस येलो फंगस का पाया गया है। ये ज़्यादातर जानवरों में देखने को मिलता है। जानवरों में बात की जाए तो छिपकली यानी कि लीजर्ट में ये फंगस ज़्यादा पाया जाता है, बट इंसान के अंदर ये फंगस फर्स्ट टाइम पाया गया है, और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसके कई सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम है लिथर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होना। जिस व्यक्ति में वाइट फंगस और ब्लैक फंगस के अलावा येलो फंगस होगा, यानी कि ब्लैक और वाइट फंगस ना होके येलो फंगस होगा, उसके अंदर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है वेट लॉस होना, उस व्यक्ति का वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तीसरा, भूख ना लगना या भूख का कम लगना। ये सभी सिम्टम्स येलो फंगस के पाए जा रहे हैं। ये येलो फंगस इतना खतरनाक है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चोट लगी है तो नॉर्मली तो आपका बॉडी ये चाहती है कि भाई वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, वो चोट, आपका इम्यून सिस्टम उस चोट को ठीक करने में लगा रहता है, पर येलो फंगस उस चोट को जल्दी से ठीक नहीं होने देती। जी हाँ गाइस, येलो फंगस को जानलेवा भी बताया जा रहा है। अब मैं बताती हूँ इन तीनों के सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम की बात करते हैं हम ब्लैक फंगस की। जो ब्लैक फंगस है उसका फर्स्ट सिम्टम है सिर दर्द होना, दूसरा नाक का जाम हो जाना, तीसरा फेस पे स्वेलिंग आ जाना, चौथा लॉस ऑफ विजन, पांचवा आँखों में दर्द। ये हैं ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। बात करते हैं वाइट फंगस के सिम्टम्स की। तो वाइट फंगस का सिम्टम्स हैं कफ, फीवर, डायरिया या ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। बात करते हैं येलो फंगस के सिम्टम्स की। फर्स्ट है डाइजेशन में प्रॉब्लम आना और कम एनर्जी फील होना। थर्ड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि चोट लगती है तो ये जल्दी से उसे ठीक नहीं होने देता। इन तीनों फंगस के फैलने के कारण यही है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो ये जल्दी से आपको नुकसान पहुँचाएंगे, और इम्यून सिस्टम के वीक होते ही ये उस व्यक्ति पे हमला बोल देते हैं। इसके प्रिवेंशन ये हैं कि काफ़ी टाइम तक पड़े हुए फ्रूट्स को ना खाएं। दूसरा, अपने आसपास सफाई रखें, और जो स्टीरॉइड्स आपको दिए जा रहे हैं कोरोना वाले जो लोग हैं वो कोरोना में तो लाभदायक हैं, पर इन फंगस में ये जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। इसके कारण आपका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है और ये फंगस आप पर अटैक कर रही है। और गाइस, अगर इससे प्रकार के आपको और सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मास्क लगाएं। हैव अ नाइस डे।